वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर आईएमए और आईडीए भटिंडा की ओर से लोगों को जागरूकता का संदेश देते हुए सावधानियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इस दौरान भटिंडा के डॉक्टरों ने कहा कि आम लोगों को एड्स जैसी भयानक बीमारी से सभी को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो आगे फैलती रहती है, इसलिए हर माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो वर्ल्ड एड्स डे है, आईएमए की तरफ से ये इवेंट रखा गया है जिसमें हम अवेयरनेस क्रिकेट मैच यहाँ पे डॉक्टर्स खेल रहे हैं, जिसमें 35 से 40 डॉक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा वर्ल्ड एड्स डे पे क्रिकेट मैच रखने का यही है कि जो यंग जनरेशन है आजकल की, जो नशों के तलब जिनको लग गई है और इंजेक्टेबल नशा यूज़ कर रहे हैं, उनको वो नशों से निकाल के हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ डॉक्टर लेके आना चाहते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अपनी एनर्जी जो स्पोर्ट्स पर लगाते हो, तो एनर्जी सही जगह पे यूज़ होगी तो बहुत सारे नशों से बचा जा सकता है। हमारा मेन फोकस है यंग जनरेशन को सपोर्ट करना बीमारी के प्रति, कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको जितना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट किसी चीज़ का तभी होता है जब हमारे उसके बारे में नॉलेज हो। एड्स को हम सिर्फ ऐसे होता है कि एड्स बीमारी ऐसी है कि अगर एक बार हो जाए तो समाज ये आगे से फैलती है, एक दूसरे से फैलती है। और जैसे मान लीजिए किसी मेल को होती है तो थ्रू फैमिली में भी ये जाती है, बच्चों में जाती है, थ्रू वाइफ जाती है, वाइफ से बच्चों में जाती है। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली